Hello dear student, this is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. Today I will provide solution procedure for these questions, and I have already made a video covering solution of A and B part of these questions. I will provide the link for that video at the description of this video. Okay, this question was asked IGNU MA Economics for course code MEC 101. Title of course is Macroeconomics Analysis in year June 19. ठीक है, June 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसका पार्ट ए भी जो सोल्यूशन है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. पहला वीडियो पार्ट वन वीडियो, ये पार्ट टू वीडियो है. तो पार्ट वन वीडियो का मैं ये सोल्यूशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा. ठीक है, आज का वीडियो टुडे आई विल कवर सोल्यूशन ऑफ बी सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस अंडर दिस वीडियो. ओके, तो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विद ऑल नोटिस बिल प्रेसिंग बेल आईकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन. इजली यू कैन गेट notification for my upcoming video, and you can help us financially if you are interested. How to make a donation? You need to press the button of description where you will get to know everything. ठीक है, अगर आप लोग financially हमें help करना चाहते हैं इस तरह कि वीडियो का एंजॉयमेंट लेने के लिए, तो आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार. और कैसे करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो चलते हैं इसका सलूशन की ओर. तो ए और बी पार्ट का जो था, ए और बी पार्ट में था मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कॉमोडिटी एक्स एंड वाई, और मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया. दूसरा पार्ट था इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फॉर सच अ कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन व्हिच इज द फंक्शन ऑफ M, that is money, price of X and price of Y. तो जो रिजल्ट कल का है वो मैंने लिख लिया हूँ, ताकि इसमें यूज होगा. थोड़ा सा इसमें और इंफॉर्मेशन है, हमें आज निकालना है द मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंड्स यूटिलिटी अटेंड बाय अ कंज्यूमर व्हेन अल्फा इक्वल टू 1/2, प्राइस ऑफ X इक्वल टू 2, प्राइस ऑफ Y इक्वल टू 8, एंड M that is income इक्वल टू 4000. अल्फा इक्वल टू 1/2, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू 2, प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू 8, एंड इनकम इक्वल टू 4000. ये इंफॉर्मेशन पर हमको मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय अ कंज्यूमर. उसके बाद डी में हमको निकालना है डिराइव द रॉय आइडेंटिटी. ठीक है, तो सारा चीज हम तो जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं. स्पेस बनाने के लिए क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा. ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, चारों आप निकालोगे तो 20 नंबर मिलेगा. ये 2019 जून में क्वेश्चन नंबर 4 अंडर सेक्शन ए में पूछा गया था. तो पहले हम लोगों को निकालना क्या है कि मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय अ कंज्यूमर जो विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई डिनोटिंग मैक्सिमाइज यूटिलिटी. ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं वी डिनोटिंग denoting the maximize utility. जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, वो डिनोट करता है मैक्सिमाइज यूटिलिटी, जिसको हम यू स्टार से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये यू स्टार्ट डिनोटिंग मैक्सिमाइज यूटिलिटी. ठीक है, विच इज इक्वल टू इनडायरेक्ट यूटिलिटी विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई. तो इट कैन बी रिटेन
वी दैट इज मैक्सिमाइज यूटिलिटी, जो भी है मैक्सिमाइज यूटिलिटी उसको हम डिनोट किए हैं यू स्टार से, ठीक है। तो इक्वल टू इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमने यहां निकाला है, वहां लिख दिया है। तो ये आया है अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू एम एस बाय प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा टाइम्स प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा। ये सारा चीज आया है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से, ठीक है। अब ये सी पार्ट का सलूशन हो रहा है। तो कुछ इंफॉर्मेशन सी पार्ट में दिया हुआ है, मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय कंज्यूमर व्हेन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू प्राइस ऑफ एक्स टू प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू एट एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इक्वल टू 4000। तो सारा वैल्यू को, ऑल द वैल्यू वी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन। तो अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 1/2, 1/2 टू द पावर 1/2, 1 माइनस अल्फा डेट इज 1 माइनस 1/2। सिंपली हम अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पावर में भी होगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। इतना तो क्लियर, m इक्वल टू 4000 लिख दिया। अब नीचे क्या है, प्राइस ऑफ x टू द पावर अल्फा, तो प्राइस ऑफ x का पावर क्या भाई, सॉरी 2 है, अल्फा का पावर 1/2, प्राइस ऑफ y इक्वल टू 8 टू द पावर 1/2, यही है, सॉरी 1 माइनस 1/2। मैंने अब तक वही किया हूँ, सारा का वैल्यू लिखा हूँ, अल्फा का वैल्यू 1/2 है, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया हूँ, फिर एम का वैल्यू जो इनकम का लिख दिया हूँ, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है उसका जो पावर अल्फा है 1 माइनस अल्फा है जो भी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही साधारणता आप समझ सकते हैं, 1/2 1 में घटा देंगे हाफ तो क्या होगा, 1/2 होगा। अब इसको बताने की तो जरूरत नहीं है, इसको एलसीएम लोगे 2 माइनस 1/2 ये आएगा। तो ऑब्वियसली है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 1/2 टू दी पावर 1/2 हो गया। अब यहां ये घटकर क्या हो जाएगा, इसका बराबर हम क्या निकल रहे हैं, 1/2 1 माइनस 1/2, अगर हाफ एक में हाफ घटा देंगे तो हाफ बचेगा, तो यहां भी हो जाएगा 1/2 और इसके पावर के साथ भी वही वैल्यू होगा 1/2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहां देखिए 4000 है, तो मैं 4000 लिख देता हूं, या आपको इनटू लिख देते हैं 4000, ठीक है। अब नीचे आपको देखना है 2 टू द पावर 1/2, जिसको अंडर रूट भी हम कर सकते हैं 2। अब यहां पर, ठीक है, अब यहां पर 1 है, तो 1 का भी पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम करते हैं इस चीज को, एक लाइन और लिखते हैं, अच्छा इसको कर लेते हैं, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले 8 को कर लेते हैं, 8 का मतलब हो रहा है, देखिए 8 टू दी पावर 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट 8, इसको तीन बार होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 के बदले 1 निकलेगा, 2 इंटू रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टू दी पावर 1/2, ठीक है। ये तो लिखा सकता है, 2 के बदले 1 निकलता है, ये अंडर रूट 1 को ये बचा हुआ रह जाएगा, जिसको हम इस तरह अंडर रूट बराबर ही होता है, जैसे अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/2। अब बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है ये तरह। अब ये देखो, ये दोनों का बेस सेम है, 1/2 है, तो पावर जुड़ जाता है 8 टू दी पावर m इंटू 8 टू दी पावर m, तो दोनों का बेस हैविंग द बेस सेम, द पावर एडेड। तो उसी तरह ये दोनों का पावर 1/2 और 1/2 को आप जोड़ दोगे तो क्या होगा, 1 होगा, देख सकते हो 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2, काट दोगे तो 1 होगा। ये दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों का पावर जुटकर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, ये दोनों बन गया 1/2,
दोनों का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 4000 है, 4000 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका वैल्यू ये आ गया 2 to the power 1/2। इसका क्या आया, हम लिख सकते हैं 2 to the power 1/2 × 2। अगर इसको आगे गुना लिखे या पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 2 से कर देंगे 2000 हो जाएगा, 4000 का आधा कितना होगा 2000। अब ये दोनों जुट कर फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर जुट जाएगा तो 1 हो जाएगा पावर, हाफ प्लस हाफ 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2000 by 2 × 2, यानी 4 आया, 2000 by 4, 5 times 0 = 0। तो मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय कंज्यूमर इज ए 500, ठीक है। आप लिख सकते हो सी में इस तरह, इसका आंसर फाइनलाइज करोगे। सी का आंसर हो गया द मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय अ कंज्यूमर इज 500, ठीक है। 500 हम लोगों ने निकाला। अब क्या है, डी पार्ट में करेंगे, जहां पर वी हैव टू डिराइव रॉय आइडेंटिटी फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले रॉय आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं और सारा चीज निकलेगा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से। तो यहां तक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम फिर से लिख देते हैं। अब भी सेलेक्ट चलेंगे जो ओरिजिनल हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हुआ, विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम, which is the function of income, price of x, price of y, ये है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये indirect utility function, तो ROI identity क्या होता है, very simple, ROI identity, ठीक है। partial derivative लेना है भाई, क्या इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट माइनस दे देंगे साइन पहला, माइनस पार्शियल डेरिविटी ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड डिराइविंग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फॉर गुड्स एक्स, ठीक है। और नीचे क्या होता है, डी वी दैट इज बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिविटी ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ये फॉर्मूला होता है, इसमें माइनस का एक साइन आगे आ जाता है। अब हमको यहाँ पर क्या दो काम करनी पड़ेगी, पहला काम क्या है कि डीवी बाय आगे इसका प्लस में वैल्यू निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड गेट पार्शियल डेरिविटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स। And you can see here, V is the indirect utility function, which is the function of income, price of X and price of Y. You can see here, first step we are taking the partial derivative of indirect utility function, that is V, with respect to price of X. Okay? No doubt. But before taking the partial derivative of indirect utility function, with respect to price of x, we have to arrange something in indirect utility function. ठीक है, इसको partial derivative लेने से पहले हमको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर काम। तो क्या ये price of x to the power alpha को ऊपर shift करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इसका derivative, partial derivative निकाल सके। तो वही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ। तो प्राइस ऑफ एक्स पहले हम भेज देते हैं टू दी पावर अल्फा, ये ऊपर चला गया, बाकी एवरीथिंग रिमेन एज इट इज। अल्फा टू दी पावर अल्फा, 1 - α to the power 1 - α एम बाय प्राइस ऑफ एक्स वाई 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 टू दी पावर 1 - α। यू कैन सी हियर, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा को मैंने ऊपर भेज दिया, शिफ्ट किया,
बाकी एज इट इज रहेगा। तो ऊपर जाने से एक चीज, ऊपर जाने से इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ प्लस अल्फा है, ऊपर जाने पर माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ वाई वन माइनस अल्फा, ठीक है, ये सारा चीज। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं भाई, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो निकालेंगे तो पहला क्या होगा टर्म, डी वी बाय डी एक्स। तो निकालेंगे तो माइनस अल्फा कम फर्स्ट एंड प्राइस ऑफ एक्स माइनस अल्फा माइनस वन, ये होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा टाइम्स एम। नीचे फाइनली प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे हम, तो अरेंज करना बहुत ही आसान है। प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, अब यहाँ देखो माइनस अल्फा को हम यहीं छोड़ देंगे, माइनस अल्फा को यहीं छोड़ रहे हैं, ये टर्म को हम नीचे खेल देंगे, तो ये दोनों का पावर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा नीचे। तो प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा एंड या हाँ इस तरह डायरेक्टली हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर वन रहेगा, तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यह क्या है, इंटू अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा वन टू दी पावर वन माइनस अल्फा एन, ये कंप्लीट हमको डी वी बाय डी एक्स आ गया, डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम ये तो ही निकाल लिए, अब हमको निकालना है दूसरा टर्म, क्या निकालना है भाई, डी वी बाय डी एन, यानी वी हैव टू गेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अब एम से निकालेंगे तो हमें कोई कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहां से ले रहे हैं, जब हम एम से निकालेंगे तो ये एम खत्म हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारा चीज तो वही होगा। अल्फा टू दी पावर अल्फा अल्फा वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ये रहेगा टोटल। और प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, यही होगा, एम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एम को एम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेरिवेटिव तो वन हो रहा है। अब दोनों चीज निकल गया है तो बहुत ही आसानी से हम इसको रॉय आइडेंटिटी को निकाल सकते हो। अब यहां देखो माइनस है तो माइनस मैंने पहले लिख दिया, अब इसका डी वी बाई पी एक्स का वैल्यू मैंने यहां निकाला, तो ये है माइनस अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस वन माइनस अल्फा, ठीक है, वाई आइडेंटिटी थोड़ा सा यहाँ क्लेसेस हो रहा है, इसको हम ऊपर सो सकते, फॉर्मूला आपका ये है माइनस डी वी बाय प्राइस ऑफ एक्स बाय डी वी बाय डेल्टा एम, यही फॉर्मूला। अब ये आ गया माइनस अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा, और इसके इक्वल टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर एक्स आना चाहिए, इसको निकाल कर हमने, तो अभी देख लेते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर एक्स, कल मैंने पहला वीडियो में जो बनाया वहां निकाल के दिखा सकता हूँ। ये दोनों आ गया, अब एम आ गया बाय, देख लेते हैं माइनस अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा एम, और नीचे क्या है प्राइस ऑफ एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद दोनों को लिखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ये डी वी बाय टी एक्स का वैल्यू हम लोग लिख लिया, डी वी बाय डी एम डेल्टा डी बाय डेल्टा एम का वैल्यू जो निकला है वो लिखते हैं, अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा बाय प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर माइनस वन माइनस वन माइनस अल्फा, ये निकल गया। अब यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं,
कितना बराबर हमें आना चाहिए मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ठीक है, वो चेक करते हैं। अब यहां से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और लिख सकते, देखिए ये माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं ये प्लस अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा हो जाएगा और एम, और नीचे हो जाएगा आपका प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा। ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये नीचे ही रह जाएगा, ऊपर जा रहा है प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, और ये नीचे रह जाएगा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ठीक है, अब ये ऑलरेडी चला गया है ऊपर। अब यहां आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ लाल बोल सकते जो प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ये टर्म कैंसिल। अब यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ये यहां भी है, ये टर्म टोटल इलिमिनेट हो गया। तो बच क्या रहा है भाई, बच रहा है आपका अल्फा, यहां अल्फा बचा है, यहां एम बचा, और यहां पी एक्स बचा प्राइस ऑफ एक्स, और कुछ नहीं बचा विच इज द इक्वल टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एक्स, यू कैन सी, ठीक है। अगर किन्हीं को ये सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जाके देखिएगा हाउ टू डिराइव मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गिवन द कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन, वहां देख सकिएगा टीयर वाई आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गया, ये गुड्स एक्स का भी इसी तरह सिमिलरली वाई का भी हम लोग निकालेंगे। तो वाई आइडेंटिटी वाई का जब भी निकालेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस ऑफ एक्स यहां पर है उसको हम लोग वाई कर देंगे, बाकी सारा चीज एक ही होगा, और विच इज द इक्वल टू वाई एम, दैट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई। अब हम लोग उस पर आते हैं, तो अब यूटिलिटी जो फंक्शन जो दिया है उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जो प्राइस ऑफ वाई अगर ऊपर दे देंगे तो प्राइस ऑफ वाई जाएगा ऊपर तो माइनस, माइनस तो पहला हो जाएगा इसका ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है वन माइनस अल्फा, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये बाकी एज इट इज रहेगा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ठीक है, टाइम्स एम। अब नीचे क्या रहेगा, अब ये बचा प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा, अब क्या करना है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, खाली अब पी वाई के एम बने वी नीड इट इन ऑर्डर टू गेट मार्शलियन डिमांड फंक्शन, सॉरी मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई वी नीड टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन with respect to price of y and divided by again taking the partial derivative of indirect utility function with respect to income. So यहाँ पर dv by delta v by delta price of y निकाल देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा माइनस वन माइनस अल्फा टाइम्स प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर माइनस ब्रैकेट वन माइनस अल्फा, फिर एक घटेगा यहाँ पर, यही होगा, अब बाकी तो चीजें एज इट इज रहेगा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा एम, एम हो गया। अब नीचे क्या है, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा, इतना कर लिया। अब यहाँ छोटा सा और काम करना है हम लोगों को, थोड़ा सा अरेंज कर देना, वी नीड टू अरेंज दिस टर्म, यहाँ माइनस
वन माइनस अल्फा लिखना है। ये प्राइस ऑफ वाई हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो पहले हम प्राइस ऑफ एक्स तो ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में ये जाएगा, तो प्राइस ऑफ वाई ये प्लस हो जाएगा वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा जो एग्जैक्ट फॉर्म में जैसे ऊपर गया था माइनस लेके नीचे आया, ये जो माइनस वन है वो प्राइस ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हो, लॉ ऑफ इंडेक्सेस बहुत सारे वीडियो में मैं बताया हूँ, ये काम हो गया। बाकी सारा टर्म को एज इट इज रहेगा, अल्फा टू दी पावर अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा क्या है। अब क्या निकालना है भाई, पहला चीज निकल गया, अब निकालना है डी वी बाय डी एम, जो हम निकाल चुके थे मिठा दी, तो वेरी सिंपल, खाली एम यहाँ सट जाएगा, बाकी सारा चीज रहेगा अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, एम इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो टोटल चीज वही होगा, एम को एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, वन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम हट के बाकी सारा वही चीज होगा। प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा इंटू प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब सारा चीज निकाल लिए यहां पर, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले माइनस आ जाएगा यहाँ, देखिए एज ए रॉय आइडेंटिटी में फॉर्मूला होता है। अब इसके बराबर हमको चाहिए मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर फॉर्मेलिटी की वाई, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है, ये वैल्यू निकला, तो वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस वन माइनस अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा एम, क्लियर। अब नीचे क्या है भाई, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा टाइम्स प्राइस ऑफ वाई, और नीचे क्या आया, अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा बाय प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा। बाकी सिमिलरली जैसे हम यहां किए थे इसको अरेंज कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ऊपर लटर वो इसी तरह होगा, वन माइनस अल्फा अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा एम, नो डाउट ये ऊपर वाला खाली है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, टोटल एज इट इज लिखा। ठीक है, हम सॉल्विंग कर रहे हैं इसको एज, और नीचे क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा इंटू प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा टाइम्स प्राइस ऑफ वाई, ये लिख दिए, और ये टर्म ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा इंटू प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, और ये डिनोमिनेटर में रहेगा, अल्फा टू दी पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू दी पावर वन माइनस अल्फा, यही है। अब इसको इलिमिनेट करेंगे और बाकी सारे चीज हम निकालेंगे, तो आप देख रहे हो प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर अल्फा प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, ये यहाँ भी है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हो ये टर्म यहाँ न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या रहा है, वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा, ऐसे काट देते हैं तो क्लियर हो रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद एम आ रहा है और ये प्राइस ऑफ वाई हो गया, विच इज द इक्वल टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई। अब ये चीज कल का जो वीडियो में कैसे निकाला था उसका रिजल्ट को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई, वन माइनस अल्फा टाइम्स एम बाय डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, तो यहाँ वाई आइडेंटिटी फॉर गुड्स एक्स एंड वाई इज वेरीफाइड
और घबराने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, वीडियो पहला वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।